नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्य भर में दवा व्यवसायियों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू, करोड़ों का कारोबार प्रभावित, मरीज रहे परेशान। भागलपुर दौरे पर आए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर महिला सिपाहियों ने तानी राइफल, एसएसपी आशीष भारती ने रिवार्ड देने की कही बात। अंग की धरती पर पतंग उत्सव का हुआ आयोजन, मंत्री ने पतंग उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत। सोनू राय हत्याकांड का शूटर चढ़ा पुलिस के हत्थे, हत्या में प्रयोग किए गए मोबाइल और हथियार हुआ बरामद। और जिले में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर, दूध कंटेनर ने बाइक सवार को रौंदा। और अब खबरें विस्तार से। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य के सभी थोक और खुदरा दवा दुकानें 3 दिनों के लिए बुधवार से बंद हो गई। बंदी का असर भागलपुर में साफ देखा गया। एमपी द्विवेदी रोड समेत जिले भर की सभी दवा दुकानों पर सुबह से ही ताला लटका रहा। वहीं 3 दिवसीय बंद के पहले दिन दवा व्यवसायियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आंदोलन जारी रखने की बात कही। भागलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदस्य सबसे पहले दवा मंडी में एकजुट हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। वहीं जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव प्रशांत लाल ठाकुर ने कहा कि सरकार हमें फार्मासिस्ट बहाल कर दे, हम उसे रखने को तैयार हैं। अध्यक्ष घनश्याम दास कोटरीवाल ने कहा कि हड़ताल के दौरान मायागंज अस्पताल समेत नर्सिंग होम की इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किया गया है। इधर दुकान बंद रहने से आम लोगों एवं मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई। राज्य भर की दवा दुकान क्यों बंद है और दुकानदारों की क्या मांग है, इसको लेकर दवा दुकानदारों से बात की हमारे संवाददाता सैयद इनामउद्दीन ने। बिहार केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर राज्यव्यापी हड़ताल चल रहा है। आज से दवा दुकानदार 3 दिनों तक अपनी दवा दुकानें बंद रहेंगी विभिन्न मांगों को लेकर। भागलपुर में भी इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। भागलपुर की 1000 से ज़्यादा दुकानें बंद हैं। हमारे साथ एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, उनसे सीधा बातचीत करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। सर बताइए, क्या मांग है? हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोग जो है वो है फार्मासिस्ट। ये कानून 1940 का है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल जो है। हम लोग इसमें बदलाव ये चाह रहे हैं कि बिहार में तकरीबन 40,000 दुकानें हैं होलसेल और खुदरा मिला के। फार्मासिस्ट की संख्या है 7,000, जो रजिस्टर्ड है फार्मासिस्ट उसकी संख्या है 7,000। मेरी सरकार से एक डिमांड, उस 7,000 में तकरीबन 40-50% वो सरकारी कार्य में लिप्त हैं जो कि हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। सरकार से मेरी सबसे बड़ी प्रमुख प्राथमिकता तौर पर ये डिमांड है कि हमको फार्मासिस्ट मुहैया करा जाए। फार्मासिस्ट की कमी है, फार्मासिस्ट की कमी है, लेकिन जो है तो सरकार कह रही है कि फार्मासिस्ट को आपको रखना होगा। इमरजेंसी सेवा सर क्या आज बाधित है या नहीं? इमरजेंसी सेवा के लिए हम लोगों ने मायागंज में कुछ दुकानों को खुले रखने की छूट दी है, बाकी पूरा भागलपुर बंद है, पूरे बिहार में दुकानें बंद है। हमारे जिला संगठन ऑल बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर हम लोगों ने जुलाई माह में भी एक दिन की बंदी की थी, लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं रेंगी, इसलिए हम लोग आज 3 दिवसीय हड़ताल पर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं कि वो इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे अगर मांग पूरी नहीं होती है। हमारी मांगे हर हालत में पूरी होनी चाहिए, और अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। एक तो सरकार को 40,000 फार्मा लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए था रिटेल दुकान को, फिर उन्होंने 60,000 फार्मासिस्ट के साथ बाकी 35,000 दुकानें जो चल रही है वो सरकारी बोलती है कि और ऑथेंटिक चल रही है, तो उसको दुकान को बंद किया जाए। तो सरकार को उस समय लाइसेंस के साथ जो फार्मासिस्ट दे रखे थे गलत दे रखे थे। तो आज देखते हैं कि दवा दुकान जो 3 दिनों तक भागलपुर में बंद रहेगी, इसका व्यापक असर कहीं ना कहीं आम जनमानस पर पड़ेगा, इसको लेकर के क्या कहना है आपका, बताइए। दवाई ही एक ऐसा चीज़ है जो कि ज़रूरी माना जाता है, और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सबसे एक ही समस्या हम लोग का फार्मासिस्ट का,
अगर वो सरकार सॉल्व कर देती है कोई दिक्कत नहीं। तो भागलपुर के दवा दुकानदार एकजुट हो चुके हैं और अपनी मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार इनकी मांग को जल्द पूरा नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हालांकि भागलपुर में जो इमरजेंसी सेवा है उसको बाधित नहीं किया गया है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर की दो महिला सिपाही इन दिनों काफी चर्चा में है। यह चर्चा दरअसल डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर महिला सिपाही अनुराधा और सतवंती द्वारा राइफल तानने से जुड़ा है। दरअसल 20 जनवरी को पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे भागलपुर दौरे पर आए थे। इस दौरान डीजीपी सिविल ड्रेस में मॉर्निंग वॉक करने पुलिस लाइन पहुँच गए। वहीं गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में जा रही दो महिला सिपाही से डीजीपी ने कुछ सवाल पूछे। इसके बाद डीजीपी ने महिला पुलिस कर्मियों से कहा कि अगर तुम्हारा राइफल छीनकर हम भाग जाएं तो तुम क्या करोगी। इस दौरान महिला सिपाहियों ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को हथियार छीनने की चुनौती दे दी और पोजीशन ले लिया। महिला पुलिस कर्मी के साहस को देखते हुए डीजीपी ने तुरंत अपना परिचय दिया और फायरिंग नहीं करने की बात कही। वहीं डीजीपी को सिविल ड्रेस में देखकर महिला पुलिसकर्मी आश्चर्यचकित हो गई। इस बात का खुलासा डीजीपी ने खुद सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान किया। साथ ही दोनों महिला पुलिसकर्मी के हौसले की प्रशंसा की। इधर भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने डीजीपी पर हथियार तानने वाली दोनों महिला सिपाहियों को रिवार्ड देने की बात कही। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे पर हथियार तानने वाली महिला पुलिसकर्मी अनुराधा और सतवंती से बात की हमारे संवाददाता सैयद इनाम उद्दीन ने। इन दिनों बिहार में महिला सिपाहियों की हलचल बढ़ गई है। काफी संख्या में महिला जो है तो वो पुलिस विभाग में शामिल हो चुकी हैं। भागलपुर में जब पिछले दिनों डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आए थे तो यहाँ की दो महिला सिपाहियों ने उन पर एसएलआर टांग दिया था और डीजीपी को चुनौती दी थी कि आप अगर हमारा हथियार छीनेंगे तो हम आपको यहीं पर टन कर देंगे। जैसा कि डीजीपी ने कहा था, हमारे साथ आज दोनों महिला सिपाही है, उनसे सीधा बातचीत करते हैं कि आप के जो साथ है महिला सिपाही उसको क्या संदेश देंगे आप, और कैसे आपको डीजीपी कैसे आप उसके पर हिम्मत कर रही है। पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि मेरा नाम अनुराधा कुमारी है और उस दिन जब मैं परेड के लिए आ रही थी यहाँ ग्राउंड में सैंड कंपाउंड में, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि डीजीपी सर हैं, सर पांडे सर हैं। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि तुम ऐसे टांगी हो, इसको फायर कर सकती हो कि सिर्फ ऐसे ही टांगी हो से। तो मैंने कहा कि ये मैं भी फायर कर सकती हूँ क्योंकि हम लोग दो मंथ पहले ही बांका से ट्रेनिंग करके आए हैं, तो फायरिंग वहाँ सिखाया गया है तो ऐसे डेफिनेटली है कि फायरिंग कर ही सकते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा हम लोग चल ही रहे थे, साथ में वो भी थे। उसके बाद वो पूछे कि अगर तुमसे राइफल जो टांगी हो तुमसे छीन लिया जाए, कोई छीन ले चलते हुए तो तुम क्या करोगे। तो मैंने बोला कि जो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे मतलब जो हम कॉन्स्टेबल हैं इतना ट्रेनिंग दिया गया तो कैसे कोई छीन सकता है हमसे। डीजीपी पर राइफल टांगने वाली दूसरी महिला सिपाही भी हमारे साथ सतवंती है, उनसे बात करते हैं कि आप बताइए आपको क्या भय नहीं लगा कुछ भी। भय क्यों लगेगा, जब हमारे राइफल ही हमारा सब कुछ है तो फिर अगर राइफल छीन ले तो फिर हम क्या फ़ायदा हमारा ड्यूटी करने का। तो इसीलिए अगर राइफल कोई हमसे छीनता है तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। भागलपुर की महिला सिपाहियों ने यह साबित कर दिया डीजीपी पे राइफल टान करके कि वो किस तरीके से अपराधियों से डरने वाली नहीं है। हम आपको बता दें कि अब एसएसपी आशीष भारती इन दोनों महिला सिपाहियों को रिवार्ड देने वाले हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। मकर संक्रांति समाप्त होने के बाद भी अंग प्रदेश के भागलपुर के लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। बुधवार को सैंडिस कंपाउंड में भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे की ओर से पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। पतंग उत्सव का शुभारंभ केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पतंग उड़ाकर किया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे ने कहा कि अंग की धरती पर इस तरह का यह पहला कार्यक्रम है जिसमें गुजरात से मंगाई गई रंग बिरंगी पतंग उड़ाकर लोगों ने पतंग उत्सव में भाग लिया। वहीं भारत रक्षा मंच के चंदन ठाकुर ने बताया कि
प्रतियोगिता में 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। वहीं कुश पांडे और करण शर्मा ने कहा कि बेहतर पतंगबाजी करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। पतंग उत्सव पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि भारत सरकार खेलो इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। साथ ही मंत्री ने आयोजक मंडल को बधाई दी। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि सियासी दौपेंच में अरिजीत शाश्वत की पतंग भागलपुर से उड़ेगी या किसी और का तिलिस्म चलेगा। सभी जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया में विशेष करके पारंपरिक खेलों को बहुत बल दिया और पतंग विशेष करके कई राज्यों में हर राज्य में पतंग का उड़ाने का परंपरा मकर संक्रांति के उत्सव के बाद लोग करते हैं। मोबाइल संक्रांति के उत्सव पर भागलपुर में भी ये पतंग उड़ाने का बच्चों ने, स्कूली बच्चे और कई नौजवानों ने ये काम किया। उससे आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ रहा है, वो उत्तरायण की ओर सूर्यदेव बढ़ रहे हैं, उससे लोगों को जो है विटामिन डी भी एनर्जी सूर्य की किरण से मिलता है। भागलपुर में आज प्रथम पतंगोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है और यस वी कैन डू भागलपुर के साथ साथ भागलपुर के जितने भी गैर सरकारी संस्थान हैं और इसके साथ ही जितने भी अलग अलग एसोसिएशंस हैं, स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट के जो हमारे बच्चे हैं, वो सारे लोग यहाँ पर आज सैंडिस कंपाउंड में आए हैं और मकर संक्रांति के उत्सव के अवसर पर ये पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है। और पतंग उत्सव का मुख्य ध्येय जो है आज उत्तरायण जो होता है, उत्तरायण में आपने देखा है कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है और पश्चिम में आप देखेंगे गुजरात के अंदर में और जिस प्रकार से लोग घर के छतों पर जा कर के भोजन और पानी दो दिनों तक लगातार छत पे ही करते हैं, ये एक परंपरा है। नवगछिया पुलिस ने सोनू राय हत्याकांड के मुख्य शूटर पवन यादव को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, कारतूस, हत्याकांड में प्रयोग मोबाइल और मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। बुधवार को नवगछिया एसपी निधि रानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए अपराधी के विषय में विस्तार से जानकारी दी। एसपी निधि रानी ने कहा कि कुख्यात अपराधी पवन यादव के खरीक थाना क्षेत्र स्थित बगड़ी गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अपराधी की गिरफ्तारी के लिए बिहपुर इंस्पेक्टर नर्मदेश्वर सिंह चौहान और नवगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल पुलिस कर्मियों ने बगड़ी गांव में घेराबंदी कर अपराधी पवन यादव को दबोच लिया। एसपी ने कहा कि सोनू राय हत्याकांड में 5 आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं कुछ फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसपी ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर अपराधी की भूमिका हत्याकांड के समय घटनास्थल पर मौजूद होने की बात सामने आई थी। एसपी ने कहा कि अपराधी पवन यादव पर पुलिस जिला नवगछिया में 5 कांड दर्ज हैं और घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी कहलगांव और घोघा में अपने रिश्तेदार के घर शरण लिया था। पूछताछ के दौरान पवन यादव ने घटना के संबंध में कई जानकारी पुलिस को दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, झंडापुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार एवं भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार मौजूद थे। साल अक्टूबर में एक हत्या की घटना हुई थी परबत्ता थाना अंतर्गत। सोनू राय का हत्या कर दी गई थी कुछ अपराधियों के द्वारा, तो उसमें परबत्ता थाना में कांड दर्ज किया गया था और उसमें अगरतला अनुसंधान पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। उसमें अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है, जिसमें कि जो मेन उसका कॉन्स्पिरेटर है राकेश राय, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी उसमें हुई थी। उसमें कुछ लोग अभी भी फरार थे। उन फरार अभियुक्तों में से पवन यादव की गिरफ्तारी कल रात में हुई है खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत से। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010।
एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रफ्तार के कारण लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं। बुधवार की शाम नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी बाईपास के समीप अनियंत्रित दूध से लदे वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दिया। घटना में व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे नाथनगर थाना पुलिस ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बाईपास मोड़ के समीप शाकुंड की ओर से आ रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंद डाला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। खबर लिखे जाने तक मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्सेला पुल के समीप NH 31 पर 2 दिन पूर्व हथियारबंद अपराधियों ने आलू लदे ट्रैक्टर को लूट लिया था। बुधवार को नवगछिया पुलिस ने बाबा विशु राउत पुल पहुंच पथ पर लावारिस अवस्था में ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है, जबकि ट्रैक्टर पर लोड 152 बोरी आलू को अपराधियों ने गायब कर दिया। ट्रैक्टर बरामद होने की सूचना मिलते ही कुर्सेला पुलिस नवगछिया पहुंची और बरामद किए गए ट्रैक्टर को अपने साथ ले गई। कुर्सेला पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर कटिहार के फलका निवासी राजकुमार गुप्ता की है, जिससे 2 दिन पूर्व मुंगेर से आलू व्यवसायी 152 बोरा आलू लोड कर मुंगेर ले जा रहा था। इसी दौरान मुंगेर जाने के क्रम में अपराधियों ने ट्रैक्टर चालक को बांध कर सड़क के किनारे छोड़ दिया और अपराधी आलू लदे ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह पर छात्रों ने बुधवार को दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। दरअसल TNV कॉलेज बायोटेक के छात्र अपनी समस्या लेकर परीक्षा नियंत्रक से मिलने आए थे, लेकिन परीक्षा नियंत्रक समस्या समाधान करने के बजाय छात्र से ही उलझ गए। वहीं छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय के नाम आवेदन देकर BSc बायोटेक प्रतिष्ठा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की परीक्षा केवल फेल विषय में ही लेने की मांग की है। इधर परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया, साथ ही कुलपति के आदेश के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही। छात्र आदर्श कुमार झा ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों का ऐसा है, Part 1 में या Part 2 या Part 3 किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी एक को लगता है, जबकि हमारा अभी कंट्रोलर सर ने बताया BSc ऑनर्स जनरल है, जनरल में अगर आप 3 पेपर में से आपको 45% है तो आप पास हैं, जबकि हमारा 5 ऑनर्स है, अदर हम लोग से फीस भी ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन अगर आप एक में फेल हैं तो आपको 5ों पेपर का फिर से एग्ज़ाम देना होता है, और प्लस अगर आप प्रमोटेड हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर का भी सारा एग्ज़ाम देना होता है। आप 2 माह के अंदर फिर से ये एग्ज़ाम होता है तो उसमें बच्चा 13 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कैसे देगा, ये हमारा मेन मांग। उस पर कोऑर्डिनेटर से ये इनसे कंट्रोलर सबसे जब बोला जाता है, पूछा जाता है, तो वो बड़े गंदे तरीके से भगा देते हैं। अभी आप सामने में मौजूद थे, उन्होंने जिस तरह रवैया दिखाया कि हमको नहीं करना है, क्या कर लोगे, ये वो जो भी है, संभवतः फेल है जैसा ही कह रहे हैं, उसी के रीवेल्युएशन की मांग कर रहे हैं। रीवेल्युएशन कुलपति के आदेश के बाद किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय में उस उत्तर पुस्तिका को भेजा जाएगा, जैसा वो आदेश करेंगे उसका पालन किया जाएगा, इन लोगों को बताया जाएगा। बाका चांदन कटोरिया मुख्य मार्ग स्थित चांदन पुल के समीप सड़क किनारे जख्मी अवस्था में महिला के मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने महिला को इलाज के लिए चांदन PHC इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां हालत में कुछ सुधार होने पर महिला ने बताया कि मंगलवार की दोपहर शामुतल्ला ग्रामीण बैंक से रुपये की निकासी करने गई थी। घर वापस जाने के दौरान एक युवक ने बथनावरण जाने की बात कह अपने मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कहा। शाम होने के कारण भरोसा कर उसके गाड़ी पर बैठ गई, जिसके बाद वह शॉर्ट रास्ता कहकर जंगल की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। महिला ने दुष्कर्म करने वाले की पहचान सिमुतल्ला थाना क्षेत्र के कनोदी निवासी मोहम्मद रेहान के रूप में की है। भागलपुर नरगा कोठी स्थित
पूरणमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में बुधवार को प्रशिक्षुओं ने सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए अभ्यास पाठ का आयोजन किया। विद्यालय की शिक्षिका अनुपमा दुबे ने कहा कि बीएड एवं डीएलएड कार्यक्रम के तहत 5 स्थानों पर प्रशिक्षकों द्वारा अभ्यास पाठ कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत बीएड कॉलेज की शिक्षिका अनुपमा दुबे, प्रधानाचार्य सुबोध ठाकुर एवं मनोरंजन कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्य भर में दवा व्यवसायियों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू, करोड़ों का कारोबार प्रभावित, मरीज रहे परेशान। भागलपुर दौरे पर आए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर महिला सिपाहियों ने तानी राइफल, एसएसपी आशीष भारती ने रिवार्ड देने की कही बात। अंग की धरती पर पतंग उत्सव का हुआ आयोजन, मंत्री ने पतंग उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत। सोनू राय हत्याकांड का शूटर चढ़ा पुलिस के हत्थे, हत्या में प्रयोग किए गए मोबाइल और हथियार हुआ बरामद। और जिले में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर, दूध कंटेनर ने बाइक सवार को रौंदा। 42 बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।